गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का ईएडी परिवार के साथ। हमारे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि विद्यार्थियों आप सभी लोग जानते हो कि इस समय पर 5 बजे डेली मॉर्निंग में हमारी करंट अफेयर क्लास चलती है, और जिसमें हम लोग नए क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपका रिविजन, और उसके साथ साथ विद्यार्थी आपके वन लाइनर के तौर पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करते रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी करते रहेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी क्लास में जुड़े। तो चलेगा, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग जितने भी लोग लाइव हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेगा जैसे जैसे आप लोग लाइव आ रहे हो। ठीक है ना, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलेगा, जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं और पहले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। पहला सवाल हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का क्या करेगा विद्यार्थी, यहाँ पर नेतृत्व करेगा। ठीक है ना, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा सवाल हमसे पूछा जा रहा है। समझो विद्यार्थियों, तो आंसर क्या बनेगा, जस्ट वन मिनट, कुछ कट रहा है विद्यार्थी। चलेगा, ठीक है ना, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, बिल्कुल भारत को कौन रिप्रेजेंट करेगा विद्यार्थी, आपका मीनाक्षी लेखी। ठीक है, मीनाक्षी लेखी जो वर्तमान समय पर G20 क्या कल्चरल जो मिनिस्टर होंगे, कल्चरल मिनिस्टर की जो बैठक होगी उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, भारत की संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। ठीक है ना, मीनाक्षी लेखी विद्यार्थी भारत सरकार का G20 संस्कृत मंत्रियों के बैठक में भाग लेगी। और आप सभी जानते हो कि अभी ये G20 सम्मेलन कहां पर हो रहा आपका, तो इटली के अंदर, जो आपका G20 जिसमें 19 आपके इंडिविजुअल कंट्री है जबकि एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सम्मेलन अभी कहां पर आयोजित हो रहा हमारा, तो ये हो रहा विद्यार्थियों इटली के अंदर। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दिया गया, अगस्त 2021 के महीने में विद्यार्थियों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए किस देश ने फ्रांस से विद्यार्थियों पदभार ग्रहण किया है। यहां पूछा गया विच कंट्री हैज टेकन ओवर द फ्रॉम फ्रांस टू विद्यार्थियों आपका प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। तो 2021 में से कौन, चीन, रूस, ब्राजील या भारत, यहां पर कौन से देश की बात करेंगे हम लोग, तो बात की जा रही विद्यार्थी अपने इंडिया की, यानी UNSCC का विद्यार्थी आपका जो अध्यक्षता का पदभार ग्रहण किया किसने, इंडिया ने। देखिएगा, भारत अगस्त 2021 के लिए यूएनएस की विद्यार्थियों अध्यक्षता, UNSCC की अध्यक्षता संभाली, भारत ने अगस्त 2020 समझो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के लिए फ्रांस से विद्यार्थियों पदभार ग्रहण किया। इससे पहले किसके पास थी जो अध्यक्षता, वो फ्रांस के पास थी, इस बार किसके पास है, इंडिया के पास। अब हम लोग थोड़ा सा यूएनएससी के बारे में जान लेते हैं, ये यूएनएससी क्या है विद्यार्थियों आपका। ठीक है ना, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यूएनएससी जो कि एक क्या आपका सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी क्या आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद अगर बात किया रहेंगे तो इसमें टोटल कितने आपके 15 सदस्य राष्ट्र है, यूएनएससी में कितने 15 सदस्य देश है, जिसमें से 5 तो आपके क्या है परमानेंट है, जबकि 10 क्या विद्यार्थी इसमें टेम्परेरी कंट्री है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अस्थायी आपके, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इन्हें बदल नहीं है। अब जो 5 सदस्य आपके परमानेंट है उन्हें क्या कहते हैं आपका P5 के नाम से भी जानते हैं, जो 5 परमानेंट इसमें देश है मेरे विद्यार्थियों उन्हें P5 के नाम से भी जाना जाता है। P5 का मतलब आएगा परमानेंट 5, जिसमें रशिया है, चाइना है, फ्रांस विद्यार्थियों, जिसमें कौन है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल है, और यूएस है। ये 5 के आपके परमानेंट मेंबर जिन्हें क्या कहते हैं आपका P5 भी कहा जाता है, जबकि 10 इसमें क्या आपके टेम्परेरी है, जिन्हें जो विद्यार्थी आपके कहेंगे अस्थायी। और भारत भी इसका अस्थायी सदस्य कब बना, 1 जनवरी 2021 को, जबकि 31 दिसंबर 2020 को भारत का, 2022 को भारत का क्या हो जाएगा कार्यकाल यहां पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और 8वीं बार भारत इसका अस्थायी सदस्य बना, 8वीं बार विद्यार्थी अस्थायी सदस्य बना किसका, यूएनएससी का। चलेगा, देखिए
अगले सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसने 25वें लेखा महानियंत्रक सीजीए यानी कि सीजीए का मतलब क्या है आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इससे पहले विद्यार्थी आपका सोमा रॉय वर्मन थे, सोमा रॉय वर्मन के स्थान पर कौन बना? ठीक है ना, 25वें विद्यार्थियों कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो ये भी विद्यार्थियों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपका अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल विद्यार्थियों 148 से लेकर 150 के अंदर इनकी व्यवस्थाएं दी गई। जहां पर मैं कैग की बात करता हूं विद्यार्थियों, ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, तो सोमा विद्यार्थी रॉय वर्मन के स्थान पर कौन आया विद्यार्थी आपका, तो देखिएगा दीपक दास, दीपक दास इनको क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना, इनके स्थान पर सोमा रॉय से पहले थी सीजीए के रूप में, समझो सीजीए का मतलब आएगा आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक है, देखिएगा विद्यार्थियों दीपक दास 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है ना, सीजीए विद्यार्थियों कार्यभार संभालने से पहले वो क्या थे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में थे। ठीक है, इससे पहले कहां पर थे विद्यार्थी आपका सीबीडीटी में थे, कौन दीपक दास। चलिए आगे देखिए मेरे विद्यार्थी, सवाल नंबर 8 की ओर पूछा गया, हु हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ नेशनल विद्यार्थियों लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021, प्रतिष्ठित विद्यार्थियों राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 को 21 विद्यार्थियों विजेता किसे नामित किया गया। ठीक है, प्रतिष्ठित विद्यार्थी आपका राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता किसे नामित किया गया। ठीक है, तो ये किसे नामित किया गया विद्यार्थी आपका, तो याद रखिए विद्यार्थी आपका साइरस पूनावाला, इस अवार्ड से क्या किया गया नहीं सम्मानित किया गया। ठीक है ना, चलिए देखिए आपका पुणे के विद्यार्थियों, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक विद्यार्थियों यानी कि बिजनेसमैन साइरस पूनावाला को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया। आप जानते विद्यार्थियों अभी वैक्सीनेशन जो शुरू हुआ है उससे पहले भारत में जो वैक्सीन निर्माण की जो प्रोसेस में बात की गई विद्यार्थियों, तो उसमें अहम भूमिका निभाई थी किसने, साइरस पूनावाला। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका, यहां सवाल पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वॉइस यानी कि डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, निम्नलिखित में से किसे नौसेना स्टाफ के रूप में या उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, इनमें से किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया, ऐसा सवाल हमसे पूछ रहा है। बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों, किसे नियुक्त किया गया आपका, तो यह किया गया आपका एसएन विद्यार्थियों आपका घोरमड़े। ठीक है, वर्तमान समय पर जो अभी यानी किस रूप में आपके वॉइस विद्यार्थी आपका, ठीक है ना, डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों आपका वॉइस एडमिरल एसएन घोरमड़े विद्यार्थियों शनिवार को वॉइस एडमिरल के रूप में अशोक कुमार के बाद विद्यार्थियों नौसेना अशोक कुमार से नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है ना, चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे विद्यार्थी आपका अगला सवाल, अगला सवाल दिया गया इसरो नासा संयुक्त मिशन विद्यार्थियों आपका निशार, पहले बात कर चुके हम लोग इसके बारे में, इसरो नासा ज्वाइंट मिशन निशार, निशार का मतलब क्या था आपका, देखिए आपका निशार क्या था विद्यार्थियों, जो कि आपका नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार जिसे किस वर्ष तक लॉन्च करने की बात की गई, किस वर्ष तक विद्यार्थियों से लॉन्च करने की बात की गई, शायद मैं पहले बता चुका था आप लोगों को कि अब ये 2022 की जगह पर विद्यार्थियों अब क्या आएगा निशार को 2023 दिसंबर तक का लक्ष्य रखा गया, वैसे पहले विद्यार्थियों आपका 2022 दिसंबर तक का था। ठीक है, तो ये निशार यानी कि यहां पर नासा अमेरिका एजेंसी और इसरो विद्यार्थी आपका क्या है इंडियन स्पेस एजेंसी, तो इन दोनों के विद्यार्थियों नाम के आगे का एन और आई लिया गया, उसके बाद आपका सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है ना, तो निशार विद्यार्थी आपका क्या है, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, ये क्या है विद्यार्थी आपका एक प्रोग्राम है सैटेलाइट विद्यार्थी लॉन्च करने की बात की गई जो संयुक्त रूप से भारतीय स्पेस एजेंसी और अमेरिकन स्पेस एजेंसी के द्वारा, सभी लोग विद्यार्थियों कॉमेंट्स में गप्पे बिल्कुल ना मारे विद्यार्थियों, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा सवालों की ओर, सवाल को देखिएगा विद्यार्थियों। चलिए आगे देखिए यहां पर, तो इसरो और नासा के संयुक्त मिशन निशार
ठीक है ना, जिसे आप विद्यार्थियों कब शुरू का आपका लक्ष्य कब रखा गया लॉन्च करने का, तो 2023 तक विद्यार्थी आपका, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑन विच डेट नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग विद्यार्थियों डे, जो प्रत्येक वर्ष हमारे जो मनाया जाता है आपका 1 अगस्त को, 30 अगस्त या 29 अगस्त या 31 जुलाई को। तो मेरे विद्यार्थियों प्रत्येक वर्ष आपका एक कब आता है, 1 अगस्त को किस रूप में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल माउंटेनिंग विद्यार्थी आपका क्लाइंबिंग डे के रूप में मनाया जाता है, कब, 1 अगस्त को, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थी आपका राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि यहां पर पहाड़ों के विद्यार्थियों दैनिक जीवन में जो भौगोलिक महत्व है उसको समझते हुए और भारत में विद्यार्थियों माउंटेनिंग को भी बढ़ावा देना, एक तरह से क्या विद्यार्थी आपका ये 1 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। चलेगा आगे देखिए, उस फॉर्मूला वन रेसर का नाम बताए जिन्होंने हंगरी विद्यार्थियों जीपी 2021 जीता। यहां पर क्या पूछा गया आपका कि देखिए विद्यार्थी आपके नेम ऑफ द फॉर्मूला वन रेसर ड्राइवर हु हैज वॉन द विद्यार्थी आपका हंगरी जीपी 2021। तो ये जीता विद्यार्थी आपका किसने, बिल्कुल मेरे विद्यार्थी ये जीता आपका, यहां पर आंसर क्या आएगा आपका, एस्टवेन विद्यार्थी आपका ओकोन ने जीता, ठीक है ना। ये किसने जीता विद्यार्थी आपका, एस्टवेन ओकोन ने ये जीता आपका। चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे, देखिए आपका अगला सवाल, सवाल पूछा गया भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई का मुख्यालय कहां पर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन इंडिया। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि 2016 में भीम एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, यानी कि भारत में विद्यार्थियों जो स्मॉल फाइनेंस से लेकर आपका जितने भी पेमेंट गेटवे है विद्यार्थियों, या चाहे आपके वॉलेट है, इन सबको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो एनपीसीआई की है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन इंडिया, जिसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई के अंदर, कहां पर विद्यार्थी आपका मुंबई के अंदर। 2016 में इसने विद्यार्थियों क्या लॉन्च किया था आपका, भीम एप्लीकेशन, भीम एप्लीकेशन भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। भीम एप्लीकेशन कब आपका 2016 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। चलिए देखिएगा मुख्यालय कहां पर है विद्यार्थी आपका, महाराष्ट्र में। इसके जो विद्यार्थियों नॉन एग्जीक्यूटिव जो आपका चेयरमैन है विद्यार्थियों कौन है, विश्व मोहन महापात्र, जबकि इसके एमडी और सीईओ कौन है विद्यार्थी आपका, दिलीप एफसे विद्यार्थियों, ठीक है ना, जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है इसके एनपीसीएल के, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पूछा गया किस लोकसभा सांसद ने कहा कि वह राजनीति छोड़कर विद्यार्थियों सांसद पद से इस्तीफा देंगे। यहां पर सवाल देखिएगा आपका, विच लोकसभा एमपी हैज, अभी इन्होंने ट्वीट किया था विद्यार्थी, ठीक है ना, और कहा कि विद्यार्थी वो लोकसभा, देखो लोक जो एमपी के पद को छोड़कर अब राजनीति से क्या कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे। विच लोकसभा एमपी हैज स्टार्टेड दैट He will be leave विद्यार्थियों पॉलिटिक्स एंड रिजाइन एज द एम पी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वर्तमान समय पर, और मुझे लगता है कि बीजेपी में विद्यार्थियों बाबुल सुप्रियो विद्यार्थियों का भी बिल्कुल प्रिय हुआ करते थे बीजेपी में। तो देखिएगा आप बाबुल सुप्रियो की बात की गई, जो क्या है विद्यार्थियों आपके एम पी है, ठीक है। देखिएगा आसनसोल से लोकसभा सांसद बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि वह राजनीति छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, और सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो वर्तमान में विद्यार्थी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कहां से, आसनसोल यानी कि आपका कहां पर, पश्चिम बंगाल, आसनसोल मेरे विद्यार्थी कहां पर आपका, पश्चिम बंगाल में। और जहां तक मुझे ध्यान है कि जो पश्चिम बंगाल इलेक्शन हुए थे उसमें एक सक्रिय भूमिका भी निभाई थी शायद विद्यार्थियों ने, बाबुल सुप्रियो ने विद्यार्थियों आपका, ठीक है ना। तो आसनसोल लोकसभा विद्यार्थियों सीट से आपके सांसद है पश्चिम बंगाल, आसनसोल में विद्यार्थी आपको याद होगा भारतीय रेलवे के द्वारा एक वहां पर रेस्टोरेंट भी आपका विद्यार्थियों क्या किया गया था, ओपन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनेंगे, अगला सवाल, भारतीय पुरुष विद्यार्थियों फील्ड हॉकी टीम ने 1928 के बाद कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते,
द इंडियन विद्यार्थियों मेंस जो फील्ड हॉकी टीम हैज वॉन हाउ मेनी ओलंपिक गोल्ड मेडल आफ्टर 1928। तो 1928 के बाद आपका कितना 8 विद्यार्थियों गोल्ड मेडल प्राप्त किए किसमें, हॉकी में। ओलंपिक खेलों में विद्यार्थियों स्वर्ण पदक की बात करेंगे तो 1928 के बाद भी कितने 8 आपके क्या करें गोल्ड मेडल प्राप्त करें, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों ऑन फील्ड भारतीय फील्ड विद्यार्थियों हॉकी टीम ने 1928 से अब तक 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, जिसमें से 1928 के अलावा 1932, 1936 में 1900 विद्यार्थियों आपका 48 में, फिर 52 में, 56 में, 1964 में और 1980 के में विद्यार्थियों, ठीक है ना। भारत कहाँ पर रहा, शीर्ष पर रहा, जो पॉइंट टेबल में विद्यार्थी आपका कहाँ पर रहा, शीर्ष में रहा और भारत ने क्या करा है पर गोल्ड प्राप्त करें। तो 1928 के बाद आपका कितने बार 8 बार विद्यार्थी ऐसा किया गया, ठीक है ना, चलेगा। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने विद्यार्थियों आखिरी बार किस वर्ष ओलंपिक में पदक जीता था, तो 1980 में, 1980 में विद्यार्थी आपको, ठीक है ना। अच्छा पदक की बात की गई आपका 1980 में गोल्ड प्राप्त करा था भारत ने, ऐसा बताया गया आपसे। आगे देखिए मेरे विद्यार्थियों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर 1 अगस्त विद्यार्थियों 2021 में सेमीफाइनल में प्रवेश किया, यानी भारत इस बार विद्यार्थियों सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। पिछली बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम विद्यार्थी आपका 1980 में मॉस्को ओलंपिक खेलों में के दौरान आपका सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, जहां विद्यार्थियों वीके नेतृत्व वाली टीम थी, ठीक है ना। तो भास्कर ने आपको भारत के लिए 8वां स्वर्ण पदक भी जीता था उस समय पर। तो देखिएगा तो 1980 में इसके पहले भारत ने गोल्ड मेडल प्राप्त करा कहां पर, ओलंपिक खेल यानी मॉस्को, मॉस्को जो ओलंपिक खेल हुए थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, यहां दिया गया विद्यार्थी आपका उथिरन सुरंग भारत के किस राज्य में आंशिक रूप से खुली है, यहां पर पूछा गया विद्यार्थी आपका उथिरन टनल हैज ओपन पार्टली विद्यार्थियों इन द विच इंडियन स्टेट, अभी आंशिक रूप से, आंशिक रूप से विद्यार्थियों इसे खोला गया तो कौन से राज्य में, असम, गोवा, केरला या आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारे विद्यार्थियों कहां पर है आपका केरला, नाम से लग रहा विद्यार्थी हमारा कहां पर केरला। अगर केरल से अभी वर्तमान समय पर आप एग्जाम देने जाते हो आज के दिन में तो आपको कौन कौन से सवाल देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों केरल, इसका हाईकोर्ट कहां पर है, तो मैंने आपको बताया कि एर्नाकुलम में। केरल के विद्यार्थियों जो समुद्री तट है यहां पर भारतीय इतिहास में 1920-21 में एक आपका आंदोलन चला था, जहां पर विद्यार्थियों ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश जो प्रशासन था उसके द्वारा एक सामुदायिक तौर पर क्या किया जाता है विद्यार्थियों, सामुदायिक युद्ध की शुरुआत की जाती है, जहां पर हिंदू मुस्लिम। तो विद्यार्थियों वहां पर जो है तो एग्रीकल्चर से, कृषि से जुड़ा हुआ आंदोलन था, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर ये हिंदू मुस्लिम विद्यार्थियों एकता का यहां पर एक बड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है, जो मालावार विद्यार्थियों आपका क्या था, मोपला विद्रोह, क्या था विद्यार्थी आपका मोपला विद्रोह। इस मोपला विद्रोह में फाइनली विद्यार्थियों जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ था मोपला विद्रोह, कब का, 1920-21 का। तो ये कहां पर, मोपलाओं पर जनजाति है, आज भी मोपला जनजाति निवास करती है कहां पर, मालावार क्षेत्र केरल के अंदर, ठीक है ना। तो ये मोपला विद्रोह कब था आपका, 1920-21। यहां पूछा जाता है कि कहां पर हुआ, तो मालावार तट में, मालावार तट यानी केरल के अंदर, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। और उसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, इसके नेता कौन थे, तो विद्यार्थी इसके नेता कौन थे, अली मुनस्यार करके आते हैं, ठीक है, इसको भी साथ में याद रखिएगा। अगर बात की जाए केरला के अंदर, तो जैसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत के विद्यार्थियों आपसे पूछा जाता है कि हमारे जो साउथर्न इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आएगा मेरे विद्यार्थी आपका कौन सा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे तो अनाई मुंडी आएगा विद्यार्थियों, अनाई मुंडी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि आप दोदा बेटा जो पढ़ते हो वो नीलगिरी माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। चले आगे चलेंगे, नेक्स्ट बनेंगे विद्यार्थियों, केरल में पहली जुड़वा सड़क सुरंग, एक तरफ विद्यार्थी आपका त्रिशूर पलकड़ राजमार्ग पर विद्यार्थियों कुथिरन सुरंग को 31 जुलाई 2021 से यातायात के लिए खोल दिया गया था, ठीक है ना। चलेगा आगे बढ़ेंगे, विश्व मास्टर विद्यार्थियों स्वर्ण पदक विजेता ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी का नाम बताएं जिनका हाल में निधन हुआ। तो यहां पर विद्यार्थी जो
मेंशन किया गया था आपका एक्सप्लेन में, वहां डेट थोड़ा आपकी गलत हो गई थी, तो उसमें क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, तो ये कौन है विद्यार्थी, डी आएगा आपका मानकौर, मानकौर जिन्होंने 100 लगभग आपके कितने बताए थे मैंने 105। देखिएगा विद्यार्थी क्या था, 105 वर्षीय मानकौर, यहां पर मैं विद्यार्थियों 31 अगस्त के स्थान पर, देखिएगा इंग्लिश में अभी भी आपका 31 अगस्त है, तो ये आपका समझो ये 31 जुलाई है, क्योंकि 31 अगस्त आपका कहां से आएगा, अभी तो अगर 2020 की बात कर रहे थे, ठीक है, आपने भेजा था मेरे विद्यार्थी कि सर ये 31 अगस्त 2020 का है या 2021 का है, अगर 2021 का है तो ये तो हुआ नहीं अभी तक, तो इसे क्लियर कर दीजिएगा। बिल्कुल मेरे विद्यार्थी, ये 31 अगस्त नहीं है, ये 31 जुलाई है। 6 बार विद्यार्थियों विश्व मास्टर चैंपियन स्वर्ण पदक विजेता और एशियन मास्टर्स विद्यार्थियों चैंपियन आपका पदक विजेता एथलीट 105 वर्षीय मानकौर का क्या हो गया, 31 जुलाई को विद्यार्थियों मोहाली में क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है ना, तो देखिएगा बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। संजीवनी जिसमें आपको 15 से 20 सवाल रेगुलर मिल रहे विद्यार्थियों, वो सवाल जो मुझे किसी पेपर में देखने को मिले करंट से, और हम विद्यार्थी कितने तैयार हैं, पिछली अगर एक वर्ष के अंदर की करंट अफेयर आती है तो उसके लिए हम लोग कितने तैयार हैं, क्या आप लोगों को वो सारी चीजें याद है कि नहीं है अभी भी, समझो विद्यार्थियों। और जिसमें स्पेशली विद्यार्थी इसका नाम क्या दिया गया, डेली क्वेश्चन चैलेंज। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अपना मूल्यांकन भी करिएगा कि मैं 20 में से कितने या 15 में से जितने भी सवाल रहेंगे आपके, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या लिखा गया उसे छोड़ दीजिएगा, जितने सवाल भी आपको इसमें मिलेंगे 15-20 सवाल, उसमें से आपका स्कोर सही कितना हो रहा है। मेरे विद्यार्थी अगर मैं भी होता है तो मैं यही करता कि 20 में से मेरा कितना स्कोर बन रहा है अगर ये सवाल मुझे देखने को मिलेंगे, तो इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो सभी लोग तैयार है ना, डेली क्वेश्चन चैलेंज आपका, मैंने आपको बताया कि देखिएगा स्टार्टिंग के जो सवाल है वो आपके नए सवाल रहेंगे, अभी ओलंपिक चल रहा विद्यार्थियों, तो ओलंपिक से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे विद्यार्थियों, अपनी आदत क्या है कि आपको एक साथ सारी चीजें ना बताते हुए धीरे धीरे करके चीजों को बताना, जैसे कि मैंने आपको 3 सवाल कल पूछे थे, उन सवालों के जवाब मैं कमेंट्स में ढूंढ रहा था, तो ढूंढते कमेंट्स पढ़ते पढ़ते विद्यार्थियों आके थक गई थी, इतने ज्यादा कमेंट्स थे, 3 सवाल पूछे थे मैंने आप लोगों से, और उन 3 सवालों के विद्यार्थियों कमेंट्स बॉक्स में मुश्किल से 3 लोगों ने भी आंसर नहीं दिए, शायद आप सुनते भी नहीं हो, फिर तो आप अपने गप्पे के लिए कमेंट्स बॉक्स में लगे रहते हो, फिर चलेगा। आज का देखेंगे विद्यार्थी आपका, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया, वाज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द विद्यार्थियों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। आप जानते हो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नाम हमने सुशांत सिंह विद्यार्थियों राजपूत का जब जो केस हुआ था विद्यार्थियों, उसके बाद नारकोटिक्स ब्यूरो का नाम अक्सर आपने सुना होगा कि वहां पर भारत के अंदर विद्यार्थियों जितनी भी जो प्रतिबंधित दवा है, चाहे विद्यार्थियों आपके ड्रग्स की अगर हम लोग बात करेंगे, समझो, तो उसको उस किसकी देखरेख में विद्यार्थियों, ये ध्यान दीजिएगा, इस पर अगर कार्रवाई करने का या इस पर विद्यार्थियों से रेगुलेट करने का जो जिम्मा दिया गया आपका, वो किसके पास है, नारकोटिक्स ब्यूरो के पास है। तो आपने देखा होगा ना, उस समय नाम सुना था काफी ज्यादा नारकोटिक्स ब्यूरो का, कब, सुशांत सिंह विद्यार्थियों केस में, जहां पर विद्यार्थियों ड्रग्स की जो बात की जा रही थी। तो ध्यान दीजिए किसके किसकी बात करें हम लोग, तो बिल्कुल अभी वर्तमान समय पर कौन बने आपके, SN प्रधान को चुना गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के रूप में SN प्रधान बन गया, एक नंबर, चलेगा। नेक्स्ट बड़े विद्यार्थियों, किस देश का, यहां पूछा गया विच कंट्री नेशनल आर्ट म्यूजियम हैज एग्रीड टू रिटर्न 14 विद्यार्थियों अवेलेबल स्मग्ड विद्यार्थियों आपका आर्ट फैक्ट विद्यार्थियों टू इंडिया, यानी किस देश का राष्ट्रीय कला संग्रहालय भारत से जो तस्करी करकर 14 मूल्यवान कलाकृति लौटाने पर सहमत हो गया, अभी रिसेंटली कौन सा देश, अगर आप लोग सर्च करोगे विद्यार्थियों, यानी कि कितनी 14 मूल्यवान जो अलग अलग माध्यम से वहां की आर्ट गैलरी में मौजूद है, तो विद्यार्थियों नेशनल आर्ट म्यूजियम जो वहां पर कौन सा आपका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया 14 विद्यार्थियों अलग अलग जो भारतीय कलाकृतियां उन्हें लौटाने के लिए तैयार हो चुका है वहां पर, समझ ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम में है वो, तो अब का विद्यार्थी वापस इंडिया पहुंच जाएगी, अब वो कई माध्यमों से विद्यार्थी वहां पहुंची होगी, ठीक है ना, किन्हीं माध्यमों से अलग अलग देशों से होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंची है वहां के म्यूजियम में, तो वापस लौट के कहां आएगी, इंडिया आएगी, ठीक है ना। चले आगे चलेंगे,
अंतर्राष्ट्रीय बाघ जो मानक कार्यकारी समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को घोषित किया गया, यानी कि जो इंटरनेशनल विद्यार्थी स्टैंडर्ड रखे गए, इंटरनेशनल टाइगर विद्यार्थी स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा, ठीक है ना, तो इसमें भारत के जो पूर्ण रूप से उन मानकों के अधीन आते हैं, अपने पास कितने टाइगर रिजर्व है, अपने पास विद्यार्थियों अभी वर्तमान समय पर कितने टाइगर रिजर्व है, तो 52 टोटल भारत में 52 आपके टाइगर रिजर्व है। सबसे बाद में आपका रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। तो इनमें से, इन टोटल 52 में से कितने आपके मात्र विद्यार्थियों 14 टाइगर रिजर्व, जो कि हर एक एंगल से विद्यार्थियों जो अंतरराष्ट्रीय मानक है उस पर बिल्कुल आपके क्या आते हैं, उनका जो विद्यार्थियों मेजरमेंट है उस पर आपके, तो टोटल कितने आपके 14 ही उसमें शामिल किए गए, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर आपसे पूछूं मैं कि प्रत्येक वर्ष जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर टाइगर डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, मेरे विद्यार्थी इस समय पर आपके पास विद्यार्थियों समय है कि बहुत अच्छे से तैयारी करें, रिविजन करें और अगले 3-4 महीने में विद्यार्थियों कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाए, भूल जाएगा सब कुछ, सब कुछ विद्यार्थियों भूल जाएगा इस समय पर, सिर्फ और सिर्फ याद रखेगा तो अपनी पढ़ाई को और सामने अपने लक्ष्य को याद रखेगा। देखो बोलना, मैं भी ये कहता हूं कि बिल्कुल आप कहते सर मोटिवेशन लाइनें कहना, मोटिवेट करना, हमें इस बारे में बताना बहुत आसान है कि, लेकिन हम लोग थोड़ी देर सुनते हैं फिर हाँ ठीक है आज से मैं शुरू करूंगा, और आज से शुरू करूंगा थोड़ी देर के लिए एनर्जी मिलती है और उसके बाद अगर कुछ बातें हुई फिर गायब हो गए, भूल गए। अपने लक्ष्य से बिल्कुल मत भटकेगा, कोशिश करेगा कि अगर सामने लक्ष्य है मेरे विद्यार्थी, और है आपके सामने लक्ष्य है, अभी अगले 2-3 महीने में आप एग्जाम दे, अभी बहुत सारे एग्जाम आपने दे दिए और अगले 2-3 महीने में काफी सारे एग्जाम आपको देने को मिलेंगे, तो इस बार विद्यार्थियों आर और पार की लड़ाई बिल्कुल लड़ लीजिएगा, क्योंकि अगली बार शायद कोई नया पैटर्न आ जाए, कोई विद्यार्थियों कुछ नया एग्जाम हमें देखने को मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से उसी तैयारी में हम लोग क्या ले लें, सिलेक्शन ले लें, ठीक है ना। तो चलेगा, आगे चलेंगे हम लोग। बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है, यहां पर क्या पूछा गया आपका, ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने भेजा भी था मुझे, स्क्रीनशॉट भेजे थे विद्यार्थी ने। तो देखिए, इन विच स्टेट फाउंडेशन विद्यार्थी आपका स्टोन ऑफ द बांबू इंडस्ट्री पार्क हैज बीन लेड, बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। बांस विद्यार्थियों आपका ये ट्री में नहीं आता है, ये किस में आता है विद्यार्थियों, इसे ये एग्जाम्पल दिया गया आपका किस में, तो इसे झाड़ी, इस घास, ग्रास विद्यार्थियों, बांस को किसके समझो इसे क्या दिया गया आपका, ये घास में आता है, ग्रास में आता है, ठीक है, बांबू। तो बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है, तो ये राज्य कौन सा रहेगा हमारा, असम राज्य ना, असम राज्य, असम के विद्यार्थी वर्तमान सीएम कौन है, हेमंत विश्व शर्मा, इससे पहले सर्वानंद सोनवाल थे तो सर्वानंद सोनवाल के स्थान पर हेमंत विश्व शर्मा भी बने, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या दिया विद्यार्थी आपका, ग्रेटा थनवर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विश्वभर में विद्यार्थियों एनवायरमेंट के लिए जानी जाती है, इन्होंने अलग अलग आपके कैंपेन भी चलाए गए थे, इनके द्वारा विद्यार्थियों एनवायरमेंट पर्यावरण कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक प्रोग्राम भी चलाया था, स्कूल स्ट्राइक, ठीक है ना, स्कूल स्ट्राइक करके आपका एक प्रोग्राम चलाया था, और जो आपका प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है तो उनमें से विद्यार्थियों आपका स्पेन मैड्रिड के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था उसमें इन्होंने स्पीच भी दिया था विद्यार्थियों, ठीक है ना, जो आपका लास्ट टाइम पर COP25, कॉप का मतलब जानते ना आप लोग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप का मतलब क्या गया आपका, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो 2021 में नवंबर मंथ में होगा आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज पर विद्यार्थियों प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता है, तो जो हमारा COP26 है आपका 2000 कब होगा, 21 में होगा नवंबर मंथ के आसपास, तो ये कहां पर होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड, ग्लासगो विद्यार्थियों स्कॉटलैंड के अंदर आपके COP26, इससे पहले COP25 चिली में होना था
लेकिन वो वहां पर ना होते हुए कहां पर हुआ, बाद में आपका स्पेन मैड्रिड के अंदर इसका आयोजन होता। तो ग्रेटा थनवर का नाम आपने सुना लास्ट टाइम पर, उन्हें टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द विद्यार्थी टाइम्स मैगजीन में चुना गया था, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थी आपका, ये कहां से बिलोंग करते हैं, स्वीडन कंट्री को, स्वीडन कंट्री को बिलोंग करते हैं ग्रेटा थनवर, ठीक है ना, चलेगा। देखिए विद्यार्थी को आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो पेरिस समझौता था आपका कब का, पेरिस समझौता 2015, जहां पर निर्धारित किया गया कि जो बड़ी कंट्री है ना, जो विकसित देश है, तो वो सबसे पहले ये निर्धारित करें कि कार्बन उत्सर्जन, समझो विद्यार्थियों, कार्बन उत्सर्जन के लिए वो निर्धारित करें, और इस पर 193 देशों ने सिग्नेचर किए थे। पेरिस समझौते को 193 कंट्रियों के द्वारा इस पर क्या की थी विद्यार्थियों आपका, सहमति जताई गई थी, समझो आपका 93, जिसमें बाद में अमेरिका बाहर हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप जैसे विद्यार्थियों के राष्ट्रपति बनते हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों हमारे प्रोडक्शन पर, या उन्हें बहुत सारे अपने जो अमेरिकी जो विद्यार्थियों कानून है उसमें क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, तो उन्हें सीधा सीधा इससे क्या हो गए, बाहर होने की बात की, ठीक है। चले आगे देखिएगा, बांग्लादेश ने जून 2019 में इंग्लैंड में आयोजित 2019 के विश्व कप के अपने पहले ही मैच में किस देश को हराया था, यह सवाल विद्यार्थियों अगर एग्जाम में पूछ लिया गया, और पूछा गया इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं विद्यार्थी आपका, क्योंकि पहला मैच मुझे भी याद है कि 30 मई को हुआ था 2019 में, 30 मई को पहला मैच हुआ था, ठीक है ना, और उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री या भारतीय विद्यार्थियों जो वर्तमान समय पर NDA2 है, NDA2 विद्यार्थियों अभी जो वर्तमान समय पर है, 2019 लोकसभा जो चुनाव हुए थे 7वीं लोकसभा, तो शपथ ग्रहण समारोह भी था आपका 30 मई को क्या था, शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें बिम्सटेक जो कंट्रियां थी, बिम्सटेक कंट्रियों के सदस्य राष्ट्र के जो प्रमुख है विद्यार्थियों भारत में क्या थे, मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे, कहां पर, NDA2 के शपथ ग्रहण समारोह में, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा मेरा विद्यार्थियों, साउथ अफ्रीका को हराया था, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। चलेगा, प्रत्येक वर्ष नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई जी की विद्यार्थी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसे हम लोग किस रूप में, एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी आपका एकता दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा सवाल अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या बनेगा, तो हमारा आंसर बनेगा मेरे विद्यार्थियों ये आएगा 31 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय विद्यार्थियों आपका एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए आपका, रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में, रेलवे बोर्ड के विद्यार्थियों अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जो चुने गए आपके, समझो अभी वर्तमान समय में कौन है, सुनीत शर्मा, ठीक है, सुनीत शर्मा, वीके यादव यानी कि विनोद कुमार यादव इससे पहले थे, अभी कौन है आपके, सुनीत शर्मा। सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, जितने भी लोग विद्यार्थी लाइव आ रहे हैं देखिएगा वीडियो लाइक भी करना आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा मैं स्टैचू बन गया, चलेगा। चलिए ठीक है ना, तो देखिए आपका, तो यहां विद्यार्थियों अगला सवाल देखेंगे, किस राष्ट्र ने मृत्युदंड को खत्म करने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है 2020 आपका नवंबर मंथ में, यहां पर क्या गया विद्यार्थी, जो डेथ पेनल्टी को विद्यार्थियों, ठीक है ना, डेथ पेनल्टी, एबॉलिश द डेथ पेनल्टी की बात की गई, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो प्रोटोकॉल है आपका मृत्युदंड को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है, तो ये देश कौन सा है, कजाकिस्तान विद्यार्थियों कंट्री है जिसने इस अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है, ठीक है। अगला देखिए आपके, भारत में निम्नलिखित में आपका रामसर जो साइट है उसमें सैकड़ों आपका शीतकालीन प्रवासी पक्षी मृत पाए गए थे, बायोडायवर्सिटी विद्यार्थियों यानी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जो रामसर साइट आपके घोषित किए गए
इनमें से बहुत सारे क्षेत्र आपको याद होगा जो पर्यावरण आपके इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किए गए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान दीजिए, तो इनमें से कौन आएगा आपका, पोंग डैम लेक आपका कहां पर, ये अपने हिमाचल प्रदेश में, ये कहां पर है विद्यार्थी आपका, हिमाचल प्रदेश में आपका, ठीक है ना, एसपी के अंदर है। आगे देखिए आप यहां पर क्या दिया गया, इसरो के अध्यक्ष का नाम बताए जिन्हें जनवरी 2022 तक के लिए एक साल का इनका कार्यकाल बढ़ गया। नेम ऑफ द चेयरमैन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ओवर वन ईयर विद्यार्थियों का एक्सटेंशन जनवरी 2022 तक, ठीक है ना। तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, के शिवाम, के शिवाम जो इसरो के वर्तमान समय पर चेयरपर्सन है और 2022 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, किस राज्य में विद्यार्थियों आपका खजुराहो जो समूह स्मारक है आपका कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है विद्यार्थी, ठीक है ना। तो ये लिखी गई दादा भाई नारोजी के द्वारा, दादा भाई विद्यार्थियों नारोजी के द्वारा लिखी गई है। अटाला मस्जिद जिसे सुल्तान विद्यार्थियों इब्राहिम सारकी के द्वारा बनाया गया, तो कहां पर मौजूद है आपका, तो ये विद्यार्थियों कहां पर, जौनपुर, और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। सारकी विद्यार्थियों शासकों के द्वारा जौनपुर को पूर्व का विद्यार्थियों सिराज का नाम भी दिया। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था, कब विद्यार्थी आपका ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एमबीटी के याद में बसाया गया जौनपुर शहर। मोहम्मद बिन तुगलक ब्रिक्स देशों के द्वारा चलाए जा रहे ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, हमसे सवाल पूछा जा रहा है, तो मेरे विद्यार्थी इसका आंसर क्या आएगा आपका, 2014 में। ब्रिक्स बैंक यानी किसमें सदस्य, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में कौन होस्ट कर रहे, तो अपना इंडिया होस्ट कर रहे, ब्रिक्स सम्मेलन कौन होस्ट कर रहे विद्यार्थियों, इंडिया होस्ट कर रहे, ठीक है ना। तो चलेगा, यहां पर मेरे विद्यार्थी जितने भी कंट्री हैं उन सभी कंट्रियों की मैं आपसे करेंसी पूछना चाह रहा हूं। किन वैसे विद्यार्थियों आप लोग जानते हो किसकी करेंसी क्या है, सबसे पहले आप लोग बताएंगे विद्यार्थियों आपका ब्राजील, ब्राजील जो कि आपका कहां पर है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अंदर है, तो इसकी करेंसी कौन बताएगा, कमेंट्स बॉक्स में इसकी मुद्रा बता दीजिएगा। दूसरा विद्यार्थियों रशिया जो एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में आता है, तो रूस की जो करेंसी है वो क्या है, कमेंट्स में लिख के भेज दीजिएगा। इंडिया विद्यार्थियों जो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है ना, एशियाई महाद्वीप में आता है, ठीक है। तो अगला देखिएगा चाइना, चाइना विद्यार्थियों जो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है विद्यार्थी, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का भी सबसे बड़ा विद्यार्थी क्या है, देश है। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों यहां पर क्या पूछा गया आपका, चाइना की करेंसी क्या है, ठीक है, और जबकि अगर साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है, तो क्या ब्राजील की पीसो, रशिया के विद्यार्थियों रूबल, चाइना की युआन रैम्बल और साउथ अफ्रीका की रैंड विद्यार्थियों की क्या है, करेंसी है, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर, ठीक है, ब्राजील की विद्यार्थी थोड़ा मैं श्योर नहीं हूं ब्राजील पर। अब चलेंगे हम लोग वन लाइनर की ओर, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वन लाइनर। यहां पर आप लोग स्वयं का मूल्यांकन इस तरह से करते हैं कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सवाल है, और जब एग्जाम हॉल में आप लोग जाते विद्यार्थी वहां चार ऑप्शन में या दो ऑप्शन में या तीन ऑप्शन में उलझ जाते हो, तो उस उलझन को कम करने के लिए ये विद्यार्थी वन लाइनर का जो शुरुआत की गई आपका इसीलिए किया गया। और यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो शायद विद्यार्थियों अभी तक आपने कंपटीशन एग्जाम को नहीं दिया हो, ऐसे लोग भी है क्या जिन्होंने आज तक कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया। विद्यार्थियों बचपन से अब तक तो हम पढ़ते ही तो आ रहे, एग्जाम कौन सी नई चीज होगी, बस थोड़ा सा यही तो नया होगा विद्यार्थियों, वो एमआर सीट मिल जाएगी, समझो नया क्या होगा आपका, यानी ऑनलाइन अगर सीबीटी बेस एग्जाम होगा तो कंप्यूटर बेस होगा, वही ओएमआर आपको सीबीटी बेस मिल जाएगी, सिर्फ इतना होगा विद्यार्थियों। यहां आपको हर चीज मेंशन करने के लिए, चाहे वो आपका रोल नंबर हो, चाहे विद्यार्थी आप लोगों की, ठीक है ना, कैटेगरी हो, चाहे ठीक है ओएमआर सीट, ये सब कुछ आपको स्वयं ही पहले से इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इस तरह की गलती मत करेगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैंने पेपर बहुत अच्छा दिया था लेकिन मेरा स्कोर नहीं बता रहा, स्कोर कहां से बताएगा जब आपने रोल नंबर ही अच्छे से मेंशन नहीं करा, या कैटेगरी आपने अच्छे से मेंशन नहीं करा, या पेपर कोड जो दिया जाता है वो पेपर कोड आपने अच्छे से मेंशन नहीं करा, कोई नहीं बताएगा, ये चीज ध्यान देना, ये आपकी ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है,
एग्जाम देने से पहले विद्यार्थियों इन चीजों का ध्यान दीजिएगा, जो पेपर कोड वगैरह मेंशन करने की बात आती है, अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उसमें पेपर कोड वगैरह देना पड़ता है, आपको सेट नंबर देना पड़ता है कि आपके पास सेट ए बी सी कौन सा सेट है, तो ध्यान दीजिए ऑफलाइन ऑनलाइन को ये चीजें भी समझना जरूरी है, ठीक है ना। वहां पर जाके गलती मत करेगा। यहां पूछा गया 2000 विद्यार्थी 21 में डीआरडीओ के द्वारा पांचवी पीढ़ी के एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ रिसेंटली विद्यार्थियों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली विद्यार्थियों क्या दिया गया आपका, फिफ्थ जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल, इसका नाम क्या रखा गया था आपका, पाइथन 5। बिल्कुल पाइथन विद्यार्थियों क्या था आपका, 5। पाइथन 5 कैसा मिसाइल आपका, एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, ठीक है ना। पाइथन 5 क्या आपका, हवा में मार करने वाला मिसाइल विद्यार्थी, हवा से हवा में। देखिए 2021 स्पोर्ट्स विद्यार्थी आपका, एसी विद्यार्थी आपका क्या दिया गया, ईएस अवार्ड स्पोर्ट्स ऑफ द डिकेड का नाम किसे दिया गया था, ठीक है, तो ये किसे दिया गया था आपका, बिल्कुल मैरीकॉम, समझो विद्यार्थियों मैरीकॉम। भारतीय बॉक्सिंग में विद्यार्थी आपका विश्व भर में पहचान दिलाने वाली मैरीकॉम से विद्यार्थी, ठीक है, तो याद रखिएगा इन्हें ACES अवार्ड 2021 स्पोर्ट्स ऑफ द विद्यार्थी डिकेड से सम्मानित किया गया। आगे देखिएगा 2021 के लिए वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहले भारतीय और एशियाई महिला के रूप में किसे चुना गया, वेजबिन विद्यार्थी आपका, फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन फॉर द विद्यार्थी 2021 वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड जो दिया गया आपका, तो ये किसे दिया गया, कृति विद्यार्थियों के करंत को, कृति के करंत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। आगे चलेंगे स्पोर्ट्स वेयर विद्यार्थियों ब्रांड ASC विद्यार्थी ICS के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स वेयर विद्यार्थियों ब्रांड ASC विद्यार्थियों ICS, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बात करें हम लोग, रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग और भारतीय क्रिकेट टीम के एक विद्यार्थी महत्वपूर्ण प्लेयर रविंद्र जडेजा, ठीक है ना। आगे चलेंगे वॉल्ट डिज्नी और स्टार इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जो नामित किया गया था विद्यार्थियों, हु हैज बीन नेम्ड एज द प्रेजेंट, अच्छा प्रेसिडेंट ऑफ द वॉल्ट डिज्नी एंड स्टार इंडिया, तो कौन विद्यार्थियों, के माधवन को, ठीक है ना, के माधवन को विद्यार्थियों यहां पर नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक यानी कि नाटो का मुख्यालय कहां पर है, हमसे पूछा जा रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय हमें देखने को मिलेगा कहां पर, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। आप सभी जानते हो कि 2021 में नाटो के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके द्वारा क्या किया गया आपका, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किया गया था, कहां पर, अल्बानिया यूरोप के अंदर एक कंट्री है विद्यार्थी, जिसमें 30 देशों ने भाग लिया और उसे नाम क्या दिया गया आपका, डिफाइंडर 2021 विद्यार्थी आपका 2021 नाम दिया गया। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, स्थापना आपका 1949 में हुई थी। सदस्य राष्ट्र कितने, 30 सदस्य है। सबसे लास्ट में इसका जो मेंबर बना वो कौन बना, नॉर्थ मैसिडोनिया इसका सदस्य बना, ठीक है, किसका, नाटो का। अल्बानिया राजधानी है विद्यार्थी, अल्बानिया की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया, सवाल आ गया ना आपका, अल्बानिया जिसकी मैं बात कर रहा था, अल्बानिया तो सबको याद है, कैसे याद है, क्योंकि आपने पढ़ा है विद्यार्थियों, समझो इसकी राजधानी क्या है आपका, तिराना। अल्बानिया की राजधानी क्या विद्यार्थियों, तिराना। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे और डायरेक्टली आपको डिक्टो सवाल पड़े हुए जब देखने को मिलेंगे कि तिराना किस देश की राजधानी है, तो आप आंसर दोगे अल्बानिया विद्यार्थी, फिर आपको बिल्कुल देखिएगा, पढ़ना अलग चीज है, सही दिशा में सही सटीक तरीके से पढ़ना, ये विद्यार्थी स्मार्ट, अगर विद्यार्थी मैं कहता हूं ना कि आपको स्मार्ट बनना है, तो स्मार्ट विद्यार्थी आपको बोलने से, ये विद्यार्थी अलग अलग तरीके से क्रीम से नहीं बनना है, ठीक है ना, आपको स्मार्ट बनना है। आज के समय पर प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखिएगा, आपके एग्जाम में सिलेबस क्या दिया गया, ठीक है ना, आपका दोस्त कैसे पढ़ता उस चीज का फर्क नहीं पड़ता, आपके दोस्त की जॉब लगी कैसे लगी उस चीज का फर्क नहीं पड़ता है, हाँ ठीक है उसमें जो अच्छाइयां थी उसे मोटिवेशन के लिए रख दीजिएगा अपने पास, लेकिन मैं तो बचपन से जानता हूं ना कि मेरी कमजोरी क्या है और मैं किस तरह से पढ़ता हूं, समझो विद्यार्थियों,
इस चीज को देखिएगा, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को स्वयं निकालेगा और उन गलतियों का समाधान जरूर निकालेगा। और हमेशा से देखिएगा, दोषी दूसरे को मत ठहराएगा। अपने जीवन में विद्यार्थियों देखिए, हम स्वयं ही दोषी होते हैं। हम लोग कई बार क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास स्टडी टेबल होता तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ता। चलो स्टडी टेबल आ गया, अगर मेरे पास टेबल लाइट होती तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ता, या मैं घर पे हूं तो घर पे ना होते हुए कहीं बाहर रूम लेके रहता तो ज्यादा अच्छा पढ़ता। सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों क्या है, बहाने हैं सीमित संसाधनों के साथ। चाहे विद्यार्थियों, हाँ इतना जरूर है कि जिसने, जैसे आप लोग कोचिंग वगैरह में जाते हो तो एक एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है, पता चल जाता है कि कंपटीशन का लेवल क्या है। एक कंपटीशन के लिए विद्यार्थियों हमें पता चल जाता है कि हमें किस दिशा में पढ़ना है। अब तो विद्यार्थियों कोचिंग जाने का जरूरत ही नहीं है, जबकि कोचिंग आपके घर पे है, आप लोग डेली पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो कंपटीशन में विद्यार्थियों डेली सुबह, अगर आप लोग 50-60 उन सिलेक्टेड बच्चों के साथ पढ़ रहे हो, जो विद्यार्थी आपके बीच में से जो आने वाले समय पर विद्यार्थियों किसी ना किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाले, उनके बीच में आप लोग हो विद्यार्थी समय पर, उनमें से आप भी हो। देखिए आप मानिएगा मैं हूं, आप कहेगा कि सर मैं स्वयं हूं इसके लिए, अगले कुछ 2-3 महीने में कोई एग्जाम क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए, और अपने आप में विद्यार्थियों परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। देखो 3 महीने पहले हमारे विद्यार्थी बहुत परफेक्ट थे, उन्हें सब कुछ जीएस याद था, किसी कारणवश विद्यार्थी उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई तो सब कुछ भी जीरो हो गया। फिर तो विद्यार्थियों शायद ये अल्बानिया नाम भी विद्यार्थी ऐसा लगता है कोई सैटेलाइट थी क्या अल्बानिया। आज तो पता चल रहा है कि अल्बानिया एक कंट्री है, नाटो की वजह से हमने इसे पहचाना, यूरोप में ये कंट्री है। लेकिन वो अल्बानिया विद्यार्थी क्या लगेगा, बेगाना सा लगेगा। अगर 3 महीने, 3 महीने तो बहुत दूर की बात है, अगर 10-15 दिन विद्यार्थियों अगर आप लोग पढ़ाई से दूर हट गए तो अल्बानिया बहुत बेगाना सा लगेगा। शायद विद्यार्थियों अपने जो दोस्त है ना आपके, अभी नाम उनके सबके नाम याद, आपको पता है कि डेली क्लास में मॉर्निंग में कौन प्रेजेंट रहता है, सबको याद है, ठीक है। तो शायद ये दोस्त तो बहुत दूर दूर तक पहचान में नहीं आएंगे, चलेगा ठीक है, चलेगा भाई। दोस्त पहचान आए ना आए विद्यार्थियों, सवाल जरूर पहचान में आना चाहिए। इंटरनेशनल लेबर डे जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 मई को। बस हमारी विद्यार्थियों, मुझे अक्सर लगता है, चाहे आप हो चाहे विद्यार्थियों, एक ह्यूमन नेचर भी कह सकते हैं कि हम हर बार एक तो ऑप्शन रखते हैं कि इस बार नहीं अगली बार बहुत अच्छा करूंगा। अगली का इंतजार क्या करना, अगली 2 साल बाद एग्जाम होगा तब तक इंतजार करता रहूंगा, इस बार मुझे अपना 100% देना है और मैं सिलेक्शन लेके आना है, मेरे को इसी में विद्यार्थियों सिलेक्शन लेके आना है, ठीक है ना। और देखिए गलतियां जरूर ढूंढिएगा अपनी, दूसरे की नहीं विद्यार्थियों, अपनी गलतियां ढूंढिएगा, समझो विद्यार्थियों, और उसका समाधान जरूर खोजिएगा। समस्याएं तो हम लोग डेली सुबह ढूंढ लेते हैं लेकिन उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते, तो समाधान भी जरूर ढूंढिएगा, ठीक है। समस्याएं ढूंढने के साथ साथ विद्यार्थियों उनका समाधान ढूंढना भी बहुत जरूरी है। चलिए विद्यार्थियों, ठीक है, वैसे भी विद्यार्थी जीवन में समस्याएं कुछ नहीं विद्यार्थियों, समस्या लग कुछ नहीं है। चलिए देखिए विद्यार्थियों, डिफाइंडर यूरोप 21 जो नाटो के द्वारा लॉन्च किया गया था, कहां पर, तो ये लॉन्च किया गया था आपका कहां पर, अल्बानिया के अंदर। कहां पर मेरे विद्यार्थियों, अल्बानिया के अंदर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस बैंक ने विद्यार्थियों डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक करके लॉन्च किया था, विच बैंक विद्यार्थियों लॉन्च डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक करके लॉन्च किया गया था, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था आपका, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। अगला सवाल दिया गया, भारत के वित्त सचिव के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस विद्यार्थियों सेक्रेटरी, ठीक है। भारत में सचिव पद की शुरुआत कब हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत में जो सचिव पद की जो शुरुआत हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विद्यार्थियों आपका कब हुई थी आपका 1858 के तहत, ठीक है। तो देखिए वित्त सचिव के रूप में किसे, टीवी विद्यार्थियों सोमनाथन, टीवी सोमनाथन को चुना गया। नेक्स्ट सवाल दिया गया, वेयर अबाउट किसके द्वारा लिखी गई बुक थी, जनवरी में अनाउंस किया गया कि मई में क्या होगी, पब्लिश हो गई और मई में विद्यार्थियों पब्लिश हुई, अमेरिकन, समझो अमेरिकन विद्यार्थियों मूल के, बिल्कुल मेरे विद्यार्थियों किसने लिखी है, झुंपा लाहड़ी विद्यार्थियों, ठीक है ना, झुंपा लाहड़ी के द्वारा लिखी गई। वेयर अबाउट किसने लिखी विद्यार्थियों, झुंपा लाहड़ी के द्वारा लिखी गई बुक है। आज बहुत कम विद्यार्थी लाइव है, तरुण बजाज यहां पर, बलवंत सिंह विद्यार्थी कहते हैं तरुण बजाज, विद्यार्थियों अभी तरुण बजाज नहीं मेरे विद्यार्थियों,
वित्त सचिव के रूप में टीवी शो में नाथन को चुना गया, ठीक है ना। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए मेरे विद्यार्थियों, आज के लिए अंतिम सवाल क्या दिया गया, जापान के विद्यार्थी ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। बेंगलुरु के अंदर विद्यार्थी एक शिक्षिका के तौर पर है, हु हैज बीन अवार्डेड जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, तो ये किसे दिया गया था, आपका श्यामला गणेश को, विद्यार्थियों जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, तो चलेगा विद्यार्थियों। सभी लोग विद्यार्थियों वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, मैंने आपको कहा ना कि वीडियो को लाइक भी करना है। और जहां जहां विद्यार्थियों आप लोगों को यहां पर सोनाली सोनाली विद्यार्थी मैंने बताया था आपको, जो मेरी मेल आईडी, विद्यार्थियों आप लोग मुझे जब भी आपके पास कोई सवाल हो, कोई पेपर हो, विद्यार्थियों आप लोग मुझे जरूर मेल करिएगा, क्योंकि जब आपके आंसर की आती ना तो आंसर की में क्या हो जाता है, क्वेश्चन कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि देखिए बाद में उनको टाइप करने में बहुत समय लगता है, और अगर मेरे समय को विद्यार्थियों थोड़ा बचाना तो आप लोग विद्यार्थियों मुझे मेल कर दीजिएगा। मेल करिएगा विद्यार्थियों, आपको क्या लिखना है, ई ए डी लिखिएगा विद्यार्थियों, ई ए डी यू एम ई एस एस, ठीक है ना, उमेश शर लिख दीजिएगा, ई ए डी उमेश शर एट द रेट gmail.com, ठीक है ना विद्यार्थियों। ये मेरी मेल आईडी है, इस पर आप मुझे पेपर सेंड कर दीजिएगा, जो पेपर आपका NWDA का पेपर हुआ है, या विद्यार्थियों जो अन्य पेपर हुए आपके अभी, उन्हें जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आकाश विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम तो आते ही लाइक कर चुके हैं। गोविंद रॉय, देखिए आप लोगों का नाम सबका विद्यार्थी, मैंने कहा ना कि एक दिन वो आएगा जिस दिन विद्यार्थी हम सब लोग साथ में पार्टी कर रहे होंगे, और वो पार्टी किसकी रहेगी, आप लोगों के सिलेक्शन की पार्टी रहेगी, ठीक है। आप में से किसी एक विद्यार्थी का भी सिलेक्शन होता है विद्यार्थी देखेगा तो दूसरे को एक मोटिवेट होना चाहिए कि मैं भी इनके साथ पढ़ता था, मैंने भी, और ऑनलाइन ऑफलाइन का विद्यार्थियों कोई भी चैन नहीं, कोई भी विद्यार्थी अंतर नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि ऑनलाइन में आपको थोड़ा समय ज्यादा मिल जाता है, और उस ज्यादा समय मिलने का आप लोग विद्यार्थियों कमेंट्स बॉक्स में, हाँ स्टार्ट में जरूर कोई बात नहीं आपको बात करनी चाहिए, एंड में आप बात करेगा, लेकिन जब सवाल शुरू हो जाते हैं, जब टॉपिक शुरू हो जाते हैं, तो वहां गलतियां मत करेगा, ठीक है ना, वहां गलतियां मत करेगा। वहां पर विद्यार्थियों सवाल को देखेगा, सर ने सवाल रखा है तो क्यों रखा होगा, है ना। तो चलिए विद्यार्थियों, तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग 3 बजे DFCCR की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ बिल्कुल आकाश विद्यार्थी, आप ऑफलाइन में भी क्लास में रहे हैं, बिल्कुल विद्यार्थी। वंदना मौर्य विद्यार्थी, नहीं आप लोगों को नहीं भूले विद्यार्थियों, चलेगा ठीक है ना, नहीं नहीं किसी को नहीं भूले विद्यार्थियों। अच्छा देखो विशेष नाम लेके आए विद्यार्थी, है ना, एक्सपेंसिव बॉय, बचपन का प्यार, बहुत बढ़िया, आप ही के जानने वाले होंगे, आप ही के दोस्त है विद्यार्थियों, डेली क्लास में रहते होंगे।